हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में आज हम सीखने के वाले हैं। आज हम एक्सेल में 360 का फॉर्मूला सीखेंगे और किस तरह से इसमें हम दिनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो यहां पर एफएक्स पे क्लिक करके भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको लिखना होगा डेज 360, तो कुछ इस तरीके से लिख करके आप सर्च करेंगे तो डेज 360 का फॉर्मूला आपको मिल जाता है। यहां पर मैं अपना फेवरेट तरीका यूज करने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा डेज 360, तो आप देख पाएंगे यहां डेज 360 फॉर्मूला आ चुका है। यहां पर ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया है। यहां पर आपको सिंटैक्स दिखाई पड़ेगा स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारा ये है, कॉमा देंगे। एंड डेट क्या है, एंड डेट ये है। अब इस बार हम जीरो लगा रहे हैं, एंटर प्रेस करता हूं तो ये हो गया आपका फॉर्म। यहां पर अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं तो सब में दिनों की संख्या आपको मालूम चल जाएगी। तो यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। यहां पर माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मुझे 31 एक कर देना है और अब यहां पर दिनों की संख्या 2 दिन आ रही है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये दिनों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें मेथड है 1 का, यानी पहले मैंने 0 दिया, अब 1 देके दिखाता हूं। तो यहां पे लिखा मैंने डेज 360 और फिर टैब प्रेस किया, टैब, फिर इसको सेलेक्ट किया यानी स्टार्ट डेट को, फिर एंड डेट को और फिर इस बार 1 देता हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पे 482 आ रहा है। अगर मैं यहां पे डेज 360 लगा करके और यहां पर स्टार्ट डेट और फिर एंड डेट को सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पर अगर 0 देता हूं तो क्या होगा, तो भी यहां पर 482 आता है। ठीक है, दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मेथड में क्या होता है कि इज इक्वल टू डेज 360, ठीक है, और फिर स्टार्ट डेट और कॉमा एंड डेट को आप सेलेक्ट करेंगे और बस कुछ भी नहीं देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो भी ये आंसर आपका आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।